टी20 विश्व कप 2022 में भारत के सेमीफाइनल में बाहर हो जाने के बाद फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग कप्तान की बात चल रही है। रोहित शर्मा को टेस्ट और वनडे जबकि हार्दिक पांड्या को टी20 में अस्थायी कप्तान बनाने की बात चल रही है। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने इस मामले को लेकर कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में तीसरे वनडे से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि टीम इंडिया में अलग अलग कप्तान की बात चल रही है। जनवरी 2023 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, लेकिन वही वनडे के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था। राहुल द्रविड़ ने अलग अलग कप्तानों के सवाल पर कहा कि आपने जो सवाल किया है उस बारे में मुझको जानकारी नहीं है, आपको यह सवाल सेलेक्टर से पूछना चाहिए, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद फरवरी मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैचों का सीरीज खेलना है। इसके बाद 3 वनडे मैच भी खेलना है। 2023 वनडे विश्व कप से पहले भारत बहुत कम ही टी20 मुकाबला खेलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि जो भी टी20 सीरीज होगी उसमें हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करेंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हार्दिक पांड्या को टी20 का अस्थायी कप्तान बना देना चाहिए या नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।